हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान हब जेनिफर गौर। माई सेल्फ मिस प्रिया एंड आई एम हियर विद माय क्लास 8th वीडियो। द सब्जेक्ट इज साइंस एंड द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इन हिंदी वी कैन से प्रजनन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। तो किसी भी नए ऑर्गेनिज्म कहाँ से आते हैं? व्हेन टू पेरेंट सेल्स और वन पेरेंट सेल इज गॉन थ्रू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, गॉन थ्रू द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है ना, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। You guys have already studied about reproduction in plants in your class 7th. और आपको पता ही होगा कि male and female reproductive organs कौन से होते हैं plants में। Okay? अगर नहीं पढ़ा तो please उसे recall करने की कोशिश करें। So without wasting our time, let's get started. तो पहले हम definition देख लेते हैं, reproduction की definition होती क्या है। The process by which living beings give birth to the young ones of their own kind to maintain and continue their species is called reproduction. क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो जीवित प्राणी हैं वो क्या करते हैं, एक नए प्राणी को जन्म देते हैं ताकि जो उनकी कंटिन्यूटी, उनकी स्पीसीज की प्रजातियों की, वो कंटिन्यू रहे, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तो इसके बहुत से कारण होते हैं रिप्रोडक्शन के, बहुत से प्रोसेस होते हैं जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है कि इस चैप्टर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हर एक पार्ट आपको इजिली क्लियर हो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम जब बात करते हैं ना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं कि किस तरीके से प्रजनन होता है। तो प्रजनन करने की दो ही प्रक्रिया होती है, दे आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, जो पहला होता है वो होता है सेक्सुअल और जो दूसरा होता है वो होता है आपका एसेक्सुअल। ऑल्दो हम इन दोनों पॉइंट्स को वन बाय वन क्लियर आउट करेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। एसेक्सुअल में क्या होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि बोथ सेक्सेस उसमें रिक्वायर्ड हो, वेदर इट्स मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस क्या होता है, सिंगल सेक्स होता है, उसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, सिंगल पेरेंट सेल क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और सेक्सुअल में क्या होती है, बोथ सेक्स सेल्स मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं रिप्रोडक्शन में। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। So when we are talking about sexual reproduction, when male gamete and a female gamete fuse together to form a new cell is called a zygote, and this zygote then grows and develop to form a new individual. So this type of reproduction is known as sexual reproduction. मैंने क्या बोला? When two cells, टू गैमेट्स, तो मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट हमारा स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है, वो हमारा ओवा होता है, जिससे हम प्लूरली क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मैंने बोला व्हेन टू सेल्स, ठीक है ना, टू गैमेट सेल्स, तो पहला गैमेट किसका होता है, मेल का, जिसे हम कहते हैं स्पर्म, और फीमेल का हो जाता है ओवा, जिसे हम कहते हैं ओवा, ठीक है ना। तो व्हेन टू सेल्स, टू गैमेट सेल्स फ्यूज टुगेदर, जब ये आपस में फ्यूज होते हैं, यहाँ पे फ्यूजन शो कर रहा है कि क्या है, ये आपका ओवा है और ओवा की एंट्री किसकी हो रही है, स्पर्म्स की एंट्री हो रही है। जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, जायगोट। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा जायगोट। और यही जायगोट आगे चल के हमारा फीटस, और फीटस के बाद एम्ब्रॉय, और एम्ब्रॉय के बाद फीटस में डेवलप होता है, और इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं, इस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप कि आपको पिक्चर के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। व्हेन टू सेल्स, टू गैमेट सेल्स ऑफ मेल एंड अ फीमेल फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड अ जायगोट, एंड व्हेन दिस जायगोट ग्रोज एंड डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, दैट रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लियर हो गया, नाउ मूविंग फर्दर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फर्स्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते क्या, जिसके थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन आगे फर्दर ऑन कैरी किया जा सके, मतलब फर्टिलाइजेशन और बेबी डेवलपमेंट हो सके। तो
ऐसे तो हमारे सारे बॉडी सिस्टम्स होते हैं, पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन हो सके, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव में तीन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और वो होते हैं हमारे टेस्टिस। ये वन पेयर में होते हैं, मतलब ये दो होते हैं वन पेयर में होते हैं। दूसरा होता है हमारा टू स्पर्म डक एंड थर्ड वन इज आवर पीनिस। ठीक है ना, हम ये बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो तीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस, ये आप जो देख रहे हैं ओवल शेप की, इसे हम कहते हैं टेस्टिस, और ये जो आपको पाइप की तरह दिख रहा है ये होता है स्पर्म डक, और इसके बाद ये है जो हमारा वो है हमारा पीनिस, जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हम वन बाय वन इन ऑर्गन को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो द टेस्टिस ये ओवल शेप्ड हैं, ये एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, और ये क्या होता है, ये स्क्रॉटम, ये जो होते हैं ना ये स्क्रॉटम से सराउंडेड होते हैं। ओके, और जब हम बात करते हैं ना, हमने अपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था मेल स्पर्म जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में होता है, और फीमेल ओवा जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेल इन फीमेल इन ह्यूमन बींग्स होता है। ठीक है ना, तो ये दो सेल्स हैं। और जब हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट की, तो मेल गैमेट क्या होता है हमारा, स्पर्म। मेल गैमेट हमारा क्या होता है, स्पर्म, और ये कहाँ पे फॉर्म होता है, इन टेस्टिस। कहाँ पे होता है मेल गैमेट, कहाँ पे होता है हमारे, टेस्टिस में होता है। इनका फॉर्मेशन क्या होता है, टेस्टिस में होता है, और इसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी। ठीक है ना, तो इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स डेट प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस करता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट स्पर्म डक्ट, तो क्या होता है, द स्पर्म लीव ईच टेस्टिस थ्रू अ स्पर्म डक्ट। जो एक स्पर्म जो लीव करता है ना वो कहाँ से आता है, स्पर्म डक्ट से आता है। ओके, एंड आफ्टर दैट क्या है, पेनिस। पेनिस का काम क्या है, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड इज मसल्स आर ऑफ स्पेशल टाइप विच समटाइम्स कॉज स्टिफनेस टू द पेनिस। ये जो हमारा पेनिस दिख रहा है यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो पेनिस है ये क्या काम करता है, पहले तो हम इजेकुलेशन में वर्क करता है, ये क्या करता है, स्पर्म को इजेकुलेट करता है वेजाइनल पार्ट के, फीमेल के वेजाइनल एरियाज में। ओके, इनका फंक्शन ये होता है। तो ये जो स्पर्म यहाँ पे फॉर्म होते हैं ना वो कहाँ से आते हैं, स्पर्म डक्ट से आते हैं टेस्टिस में, और आफ्टर डेट ये किसको पास आउट होता है, सॉरी जो ये टेस्टिस यहाँ पे फॉर्म, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स फॉर्म होते हैं वो स्पर्म डक्ट के थ्रू कहाँ पे चले जाते हैं, थ्रू स्पर्म डक्ट वो लीव करते हैं यहाँ से, और उसके बाद वो क्या करते हैं, पेनिस में आते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इजेक्यूलेशन होता है वेजाइनल एरियाज में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो। तो इसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़े, पहला टेस्टिस, दूसरा स्पर्म डक्ट, और तीसरा है पेनिस। यहाँ पे आपकी पिक्चर में एक यूरेथ्रा भी दिया है। यूरेथ्रा होता क्या है, जहाँ से हमारे टेस्टिस की ओरिजिनेट है ना, टेस्टिस ओरिजिनेट अ डक्ट का यूरेथ्रा, ये हमारे टेस्टिस ओरिजिनेट्स करते हैं। यूरेथ्रा को कौन ओरिजिनेट करता है, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, टेस्टिस के थ्रू। इट इज ट्यूब डैट लाइज इनसाइड द पेनिस थ्रू विच सीमन एंड यूरिन पास आउट ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो होते हैं ना, तो यहाँ से जो टेस्टिस जो फॉर्म, टेस्टिस में जो स्पर्म्स फॉर्म होते हैं वो कहाँ से होते हैं, इट इज़ अ ट्यूब डैट लाइज इनसाइड द पेनिस। पेनिस के अंदर जो ये ट्यूब लाइक आपको दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो दिख रहा है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, जहाँ से हमारे यूरिन और सीमेन, जो हमारे स्पर्म का जो सीमेन होता है, जो फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, हमारी बॉडी से पास आउट होता है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है ना, और मैंने आपको बोला कि मैं आपको स्पर्म के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल कर देती हूँ। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, आप इसे अपने बुक में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेड, इसे हम कहते हैं मिडिल एरिया या मिडिल पोर्शन, ठीक है, मिडिल पीस भी कहा जाता है, इसे हम कहते हैं टेल। तो ह्यूमन स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, तीन सेक्शन में डिवाइड होता है, पहला हेड, दूसरा मिडिल पोर्शन या मिडिल पीस, और तीसरा टेल। तो टेल का वर्क क्या होता है, ये मूवमेंट में जो सीमन जो फ्लूइड होता है ना, इसमें क्या करते हैं, इसमें फ्लूइड में क्या करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ताकि ये वजाइनल एरिया जो ओवस है वो फ्यूज होता है तो वो उसके पास मूवमेंट करके जा सकें। हेड जो होता है जो आगे का एरिया होता है, मिडिल एरिया जो मूवमेंट में थोड़ी सी मदद करता है। तो ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है, आप इसे और अच्छे तरीके से अपने बुक में देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना। कि पहले क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं, ओवरीज के बाद ओविडक्ट आता है, फिर यूट्रस जहाँ पे बेबी क्या होता है डेवलप होता है, उसके बाद वजाइना जहाँ से बेबी पास आउट होता है और जहाँ से स्पर्म हमारी बॉडी में क्या होता है, फीमेल बॉडी में क्या होता है एंटर करता है। ओके तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। तो ओवरीज क्या होती हैं, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि मेल गैमेट क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और फीमेल गैमेट क्या होती है, ओवा, जिसे हम एग भी कहते हैं, ठीक है। और अगर प्लूरली अगर हमें बोलना रहा है तो प्लूरल फॉर्म में इसे कहते हैं ओवा। तो फीमेल गैमेट जो होता है जहाँ पे क्या होता है प्रोड्यूस कौन करता है, ओवरी करती है। तो ये ओवरी से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। फीमेल गैमेट जो होते हैं वो ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ओविडक्ट में जाते हैं। इट कैरीज द ओवम रिलीज बाय द ओवरी फॉर फर्टिलाइजेशन। और फिर यहाँ से जो आपके फॉर्म होती हैं एग्स, जो फॉर्म होते हैं, जो ओवा फॉर्म होते हैं, वो ओविडक्ट से पास होते हैं, ठीक है ना। वो ओविडक्ट में क्या होते हैं, पास होते हैं, रिलीज किए जाते हैं ओवरी के थ्रू ओविडक्ट में। एंड आफ्टर डैट क्या होता है, ये होता है हमारा यूट्रस, ठीक है ना। इट इज़ द स्पेस इन विच अ बेबी डेवलप। तो फिर क्या होते हैं, वो हमारे यूट्रस में जब आते हैं तो यूट्रस में क्या होता है, ये होलो पियर शेप होता है। किस शेप के होते हैं, पियर शेप का होता है यूट्रस। और ये हमारी यूट्रिन है, यूट्रस की वॉल दिख रही है, ये पियर शेप के होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, इट लाइज बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाए जाते हैं। और जो ऊपर का जो लार्ज एरिया होता है ना, ये जो ऊपर का जो लार्ज एरिया होता है, ये जो यूट्रस आपको दिख रहा है पियर शेप का, तो ये जो ऊपर वाला जो लार्ज एरिया होता है, तो हम इसको कहते हैं फंडस, ठीक है। एंड द लोअर नैरो पार्ट ऑफ दिस कॉल्ड द सर्विक्स। तो अगर हमने बात की तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि ओवरीज में तो हमारे फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, इसके बाद ही ओविडक्ट से पास होकर यूट्रस में आता है। और यूट्रस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, पियर शेप्ड का होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यूट्रस का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो उसका जो ब्रॉडर एरिया है, जो अपर वाला एरिया है, उसे हम कहते हैं फंडस। एंड द जो नीचे का जो लोअर एरिया है, उसे हम कहते हैं सर्विक्स। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आता है, वो होता है हमारा ये वजाइनल एरिया। वजाइनल एरिया जहाँ से यूरिन पास आउट होती है, जहाँ से बेबी आता है। और प्लस क्या होता है कि बेबी के बाद जो हम बात करते हैं स्पर्म्स की, तो स्पर्म क्या होता है, वो हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में यहीं से एंटर करता है। इट इज़ अ नैरो मस्कुलर कैनाल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वजाइना ना, इट इज़ अ नैरो मस्कुलर कैनाल दैट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द वजाइनल ओपनिंग। एट लोअर एंड ऑफ वजाइना नॉर्मली देयर इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन वजाइनल स्टेट द हाइमन व्हिच पार्शियली क्लोजेस द ऑरिफिस। क्या कह रहा है कि वजाइना जो है, इट सेपरेट एक्सटर्नल ओपनिंग थ्रू विच यूरिन एक्सक्रीटेड। और जो वजाइना होता है वो दो एरियाज में क्या होते हैं, हमारे डिवाइडेड हो जाते हैं। पहला वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे हमारा यूरिन पास आउट होता है, और जो उसके नीचे वाला लोअर एरिया होता है, वहाँ से बेबी पास आउट होता है। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट्स हमारे स्पर्म होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेट में हमारे ओवा होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम उसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।